आज सड़क के शिलान्यास समारोह में इस क्षेत्र की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, प्रधान साहब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शीतल जी, मंडल अध्यक्ष बागड़ा जी, मंडल अध्यक्ष के शीतल जी, सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन, नागरिक भाइयों, माता और बहनों, बहुत लंबे समय तक कापरिन से केंडोली की सड़क की मांग होती थी। जब भी मैं इस क्षेत्र में जाता था, उस क्षेत्र के अंदर रोड की जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, इतने गांव को जोड़ने के बाद भी इस सड़क की हालत बदतर थी। मुझे विधायक मोदी जी ने जानकारी दी और 32 करोड़ की 16 किलोमीटर की ये सड़क, जिसका 15 महीने में निर्माण हो जाएगा, निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के लिहाज से, संपर्क सूत्र के माध्यम से इन सारे गांवों को जोड़ने के लिए सड़क महत्वपूर्ण है। बूंदी जिले के अंदर प्रधानमंत्री सड़क में 2014 से अभी तक 116 करोड़ की प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है और इसी तरीके से केंद्रीय सड़क निधि से 135 किलोमीटर की 178 करोड़ की सड़क बन गई। आने वाले समय में आपके नजदीकी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा, जिससे आप दिल्ली, बम्बई, बड़ौदा, उज्जैन, इंदौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये सारा का सारा इलाके जुड़ने से इस सारे इलाके में नई समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। रोड कनेक्टिविटी क्षेत्र के इलाके के लिए समृद्धि लाती है, खुशहाली लाती है, आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, इन सब की कनेक्टिविटी होने से इलाके के अंदर समृद्धि, खुशहाली आती है। साथ ही हम आजादी के 75 साल के अमृत काल में गुजर रहे हैं। ये अमृत वर्ष हमारे लिए संकल्प का पर्व है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने बलिदानी दिया, कुर्बानी दी, और बलिदान कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद इस देश की 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में नए विकास के आयाम छुए हैं। समृद्धि भी आई, खुशहाली भी आई, लेकिन अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम आने वाले समय के अंदर किस तरीके से साम्राज्य खुशहाली ला सकें और समृद्धि खुशहाली में सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो, और सबके सक्रिय योगदान और भागीदारी से हम इलाके के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाएं। ये बात सही है कि अभी भी कई गांव के अंदर अभाव है, लेकिन जिस तरीके की प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है कि 2024 तक
हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचे, 2024 तक हर गांव सड़क से जुड़े, एक व्यापक योजना सरकार ने बनाई, सरकार अपना काम कर रही, लेकिन हमें भी हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए। उस समय आजादी के लिए देश की जनता का योगदान था, लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, जेल गए। आज किस तरीके से हम हमारे गांव के अंदर एक आदर्श स्थिति खड़ी कर सकते हैं, एक आदर्श गांव बना सकते हैं, इसके लिए गांव के विकास में हमारी सक्रिय भागीदारी है। विकास इस बात का नहीं कि सड़क आ जाए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए। भागीदारी होना चाहिए कि हम गांव के अंदर किस तरीके से हर गांव के व्यक्ति को स्वस्थ रख सकें, हमारे गांव में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, हम हमारे गांव के विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाएं, आज की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार वहां शिक्षा मिले, उसमें भी हमारी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। हमारे इलाके में नाली है, कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई कुआ है, बावड़ी है, किस तरीके से हम उनको भी जन भागीदारी के साथ उस बहते पानी को रोककर पानी का अधिकतम उपयोग करें। मेरा आपसे आग्रह है, इस आजादी के संकल्प पर हमें 2-3 बातें करना चाहिए। मैं आपके साथ इसके लिए खड़ा हूं। पहला कि हर गांव में व्यक्ति स्वस्थ रहे। आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही जमीन काम आएगी, भवन धन सब काम आए, क्योंकि कोरोना के संकट के समय हमने देख लिया कि जब आपदा आती है, संकट आता है, तो न किसी जाति को देखता, न किसी धर्म को देखता, न किसी क्षेत्र को देखता है। लेकिन हमारी ये शक्ति है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी आपदा के समय भी सामूहिकता के साथ काम किया, मिलकर काम किया, तुम आपदा चुनौती से मुकाबला कर पाए। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे बीच में कई परिवार के सदस्य नहीं रहे, इसने हम सबको चिंता में डाला है। और विशेष रूप से तो मैं बहुत चिंतित होता था जब गांव का व्यक्ति वहां से चलता था कोटा हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल में, एक एक बेड की लड़ाई लड़नी पड़ती थी, क्योंकि गांव में व्यक्ति के पास न ऑक्सीमीटर था, न थर्मामीटर था, न ग्लूकोमीटर था, न ब्लड प्रेशर नापने का इक्विपमेंट था। एक एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता से मैंने बात की और एक एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता 4 से 5 किलोमीटर के इलाके को अकेली संभालती थी। उसके बाद साधन नहीं होते थे तो पति को, भाई को, बेटे को लेकर इलाके के अंदर जाती थी, जो उससे संभव हो सका उसने सेवा की। लेकिन हमें एक चुनौती दे गया, अलार्म दे गया कि हमें हमारे गांव के अंदर मेडिकल सिस्टम को ठीक करना होगा। और उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि हर गांव से 5-5 नौजवान जो देश और राष्ट्र और गांव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहते हैं, उन 5-5 नौजवानों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग दिलाएंगे, प्रशिक्षण दिलाएंगे और फिर उनको सारे साधन देंगे।
ऑक्सीमीटर देंगे, थर्मामीटर देंगे, बीपी मशीन देंगे, ताकि वो सामान्य जांच कर सके। और इसी तरीके से मेरे मन में एक बात आई कि इस वर्ष 2022 में हम सभी गांवों के अंदर मेडिकल कैंप लगाए और मेडिकल कैंप में जिसको भी किसी भी बीमारी की आशंका है या बीमारी है वह ठीक से इलाज नहीं करा पा, कई बार डिस्पेंसरी से देख रहा है लेकिन इलाज गंभीर है उस गंभीरता को नहीं समझ रहा, उसको कोटा इलाज कराना चाहिए था लेकिन वह ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ऐसे जो भी कहते हैं ना कि साहब सुबह तक तो ठीक था, एक घंटा पहले लुढ़क गया, लुढ़कके से गया, हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, साधन नहीं थे, जांच नहीं थी। हम चाहते हैं कि हर घर में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसके लिए हर गांव में मेडिकल कैंप लगाएंगे, लोगों की निःशुल्क जांच करेंगे, जिसका इलाज कोटा हो सकता है कोटा कराएंगे, जिसका इलाज जयपुर हो सकता है जयपुर कराएंगे, और जिसका इलाज गंभीर बीमारी है ना कोटा हो सकता ना जयपुर हो सकता उसका दिल्ली या कई देश के अलग हिस्से में कराएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आपने मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, हमारा काम केवल वोट मांगना नहीं है या ये दो सड़क बना दी, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, ये तो नियमित प्रक्रिया है जो चलेगी, से रोड भी बनेगा, नाले भी बनेगी, पटान भी बढ़ेगा, सड़क भी बनेगा, ये नियमित प्रक्रिया 75 साल में आपने सबने देखा है। लेकिन सबसे बड़ा काम है संवेदना का, मानवता का, हम हर व्यक्ति को स्वस्थ रख सकें और स्वस्थ रखने के लिए अगर हमारे गांव में ये जागरूकता आ जाए कि नहीं जी जब मेडिकल चेकअप हो तो हमारे 5 जवान खड़े रहेंगे और जिन जिन के भी थोड़ी बहुत बीमारी है उनकी जांच कराएंगे और जरूरत होगी तो उसका इलाज कराएंगे, आप इलाज की चिंता मत करो, कोटा में हो, जयपुर हो, मैं दिल्ली में हो, देश के किसी भी जगह इलाज हो की आवश्यकता होगी, धन की कमी आपके इलाज के लिए नहीं आएगी। कई बार मैं गांव में देखता था कि धन नहीं है, पैसा नहीं है, इसके कारण मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि एक गांव में मैं गया तो एक आदमी खाट पर सो रहा, मैंने कहा क्या हुआ कि मेरी हड्डी टूट गई है, तो मैंने कहा इलाज कराते, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्टर ने मुझे कहा कि 25,000 की रोड लगेगी, मेरे पास 25,000 रुपए नहीं है इसलिए मैं खाट पर पड़ा। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि उनको डॉक्टर बताया था कि आपको स्टेंट लगाना पड़ेगा, आपका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके पास 1.5 लाख रुपया आता नहीं, वो कहता है कि डॉक्टर साहब कहोगे दवाएं भी चल जाओगे तो दवाएं से चलाता रहता है, आवश्यकता उसको स्टेंट की है, ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन धन का अभाव भी कहीं ना कहीं जिंदगियों को ले लेता है। और मेरा मानना है कि आपके सहयोग से आपने जिस जगह मुझे पहुंचाया मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि धन का अभाव बीमारी में ना है, केवल आवश्यकता मुझे इस बात की कि 5-5 कार्यकर्ता इस अमृत महोत्सव के अंदर उस गांव के अंदर गांव के लिए जीने लग जाए, गांव के लिए समर्पण रहे, कोई को इलाज कराने की तो इलाज कराना है, किसी व्यक्ति के अगर पेड़ नहीं है तो पेड़ लगाएंगे, किसी व्यक्ति के चश्मे के तो चश्मा लगाएंगे, किसी व्यक्ति के दांत नहीं तो दांत लगाएंगे, किसी व्यक्ति को सुन नहीं पा रहा तो उसके मशीन लगाएंगे, कोई चलने में दिक्कत आ रही है तो व्हील चेयर देंगे, ज्यादा विकलांग है तो मोटराइज साइकिल देंगे, ऐसा नहीं हो कि वह उस अपंगता के कारण घर पर ही रहे, वो चलता फिरता रहेगा, व्हील चेयर होगी, मोटराइज साइकिल होगी तो वह गांव में इधर उधर घूमता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन उसके पास अगर उसके उपयोग के संसाधन नहीं होंगे तो गांव में रहेगा। ये हालात आपने भी देखी हो, मैंने भी देखी, अभी मैं लाखेरी से कैंप करके आ रहा हूं, मैंने देखा कि कई लोगों को जिनका दोनों पैर खत्म हो गए, जिनको व्हील चेयर की आवश्यकता थी,
जांच करने वालों ने उसको साइकिल दे रखी। अब मैंने कहा कि अगर हमारा कार्यकर्ता सक्रिय होता और डॉक्टर से जब सर्टिफिकेट बनाते समय कहता नहीं डॉक्टर साहब इसके दोनों पैर नहीं है, इसका तो 80% से ऊपर बनना चाहिए, तो निश्चित उसको मोटराइज साइकिल मिलती, क्योंकि सरकार तो नियम प्रक्रिया से चलती है और उस नियम प्रक्रिया के अंदर भी हमारा कार्यकर्ता सहयोग करे, हर गांव के अंदर देखे कि बुजुर्ग व्यक्ति इसको चलने में दिख रहा है तो रोड पकड़नी पड़ेगी, इस बुजुर्ग व्यक्ति की कमर थोड़ी दिखी हुई है तो कमर की उसको प्लेट लगानी पड़ेगी तो कमर की पट्टी लगाएंगे, जो आवश्यकता हो मानवीय संवेदना के अंदर हमारा कार्यकर्ता सबसे आगे रहे। चुनाव आएंगे जाएंगे तो जीतता रहेगा हारता रहेगा, लेकिन अगर उसके मन में समर्पण का भाव हुआ तो उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता ही अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकता है। अगर राजनीतिक कार्यकर्ता केवल चुनाव आएगा केवल वोट मांगने आएगा तो कोई गांव का व्यक्ति नहीं सुनने वाला। अगर कार्यकर्ता सामाजिक रूप से जुड़ा रहेगा उसके सुख दुख में भागीदारी रहेगा तो वो वोट मांगने नहीं आएगा तो भी उसकी शक्ल देखकर ही वोट दे देंगे। कई गांव में हम जाते हैं ना चुनाव में प्रचार करने तो गांव में लोग कहते हैं कि साहब देखो माताताई जाना कोई ना मांगे तो रामलाल जी से ये सेवा करके ये देख कर आप ही वोट दे। तो ताकत उस रामलाल की है जिसकी ताकत पर क्योंकि सुख दुख के अंदर वो कार्यकर्ता खड़ा रहे। हमें इसी संस्कार के और संस्कृति के कार्यकर्ताओं को तैयार करने की आवश्यकता है और इस संस्कार और संस्कृति के कार्यकर्ता हमने तैयार कर लिए तो मेरा विश्वास है हर गांव को हम आदर्श बना सकते हैं। विकास की आप चिंता नहीं करें, जो विकास गांव का हो सकता है एमएलए साहब कराएंगे सरपंच कराएंगे, जहां बड़े काम की आवश्यकता होगी हम कराएंगे। विकास एक अपनी अलग जगह है लेकिन सामाजिक सेवा व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम कैसे अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, अंतिम व्यक्ति का कल्याण भाषण से नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण जब होगा जब नीचे तक हमारा कार्यकर्ता इस संस्कृति संस्कार का होगा कि इस गांव का जो भी काम है मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ही करना है, मैं इसके लिए ही अपनी जिंदगी के लिए आया हूं, इस भाव से अगर काम करने लगे तो हम सारे गांव के अंदर आज नहीं तो कल सामाजिक जीवन की व्यवस्थाओं को परिवर्तन कर सकेंगे, एक आदर्श गांव बना सकते हैं जहां खुशहाली हो समृद्धि हो, जहां पढ़ने वाला हर बच्चा दुनिया का सबसे अच्छी पढ़ाई करे अच्छी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करे, जहां सब लोग स्वस्थ रहें, जब कभी सुख दुख हो तो गांव के अंदर आपस में बैठकर मिलनसार करके कुछ चर्चा करें हमें किस गांव में क्या हो सकता है जिससे यहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो, विधायक महोदय सांसद महोदय के साथ जाए तो सामूहिक गांव के अंदर चर्चा करके जाए कि भाई ये गांव के अंदर प्रायोरिटी है प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता होगी। अब अलग अलग गांव में अलग अलग चार लोग कह देते हैं प्राथमिकता है, ट्रेन रुक जाओ यही प्राथमिकता है, अब एक ट्रेन दो ट्रेन कितनी ट्रेन रुक जाए ये प्राथमिकता नहीं है, ये तो एक संपर्क के साधन है, रुकेगी वो भी आवश्यकता है उसको भी रोकेंगे। आप निश्चित रहे कुछ चीजें ट्रेनों के बारे में मुझे कही गई है, कुछ कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा स्टेडियम है जिसका निर्माण हो सकता है बच्चे खेलें क्योंकि पढ़ने के साथ खेले भी सही, उसमें भी 1 करोड़ रुपए की राशि कहीं से दिला देंगे ताकि उस स्टेडियम को ठीक बना सके ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, क्योंकि धीरे धीरे जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है तो न स्कूलों में खेल मैदान बचे हैं और न गांव के अंदर खेल मैदान बचे हैं, जबकि ये कोशिश होना चाहिए कि हर गांव में खेल मैदान ताकि बच्चा स्कूल में पढ़े और पढ़ने के बाद कुछ खेले भी सही, मन और शरीर से स्वस्थ रखना होगा तो उसको खेल के मैदान में लाना पड़ेगा और यही हमारी परंपराएं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब सामूहिकता के साथ काम करेंगे, ये अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का पर्व है,
उन लोगों के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, उनको याद करने का भी दिन है और उनके संस्कारों के अनुसार अपने संस्कार ढाल कर काम करने का भी संकल्प है। मुझे आशा है हम सब मिलकर सामूहिकता से काम करेंगे तो हर काम करेंगे। कोई गांव में आपने देखा कि ये महिला कुपोषित, इसके पास भोजन नहीं है, तो जब कुपोषित अभियान हम चलाए तो आप हमें दिखाओ, हम उसके घर पर 9 महीने तक का खाना भेजेंगे ताकि वो भी ठीक रहे, उसका बच्चा भी ठीक रहे। ऐसे छोटे छोटे काम हमें गांव के अंदर पकड़ना पड़ेगा। गांव के अंदर किसी की बहुत हालत खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 2 टाइम का भोजन नहीं है, ये सब इंतजाम हम सामूहिकता के साथ करें। जो गांव के अंदर अभाव देखें, हम समाज के सबसे नीचे के व्यक्ति को देखें कि हमारे गांव में सबसे नीचे का व्यक्ति कौन है, उसको कैसे हम समानता ला सकते। जब समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो सामाजिक समरसता क्या होगा? जब गांव का व्यक्ति देखेगा कि सबसे गरीब और अभाव में रहने वाला व्यक्ति है, हम इसकी कैसे मदद करके इसको सामान्य रूप से अपने स्तर पर खड़ा कर सकते हैं, ये सामूहिकता से गांव काम करने लगेगा तो निश्चित रूप से हम व्यापक रूप से गांव में परिवर्तन कर पाएंगे। मुझे आशा है कि इस एक वर्ष इस संकल्प के साथ हम चलें, अपने गांव के स्कूल में कमी हो तो स्कूल, हॉस्पिटल, अन्य संसाधन जो आवश्यकता वो संसाधन डेवलप करें। किसी गांव के अंदर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसको कोटा पढ़ना है तो कोटा पढ़ाई करेंगे, कोचिंग करना है तो कोचिंग कराएंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन कामों को हमें सामूहिकता के साथ मिलकर करना होगा, यही पुण्य का काम है। बाकी जिंदाबाद मुर्दाबाद प्रदर्शनी तो चलते रहेंगे जीवन के अंदर, इसीलिए किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। कल्याण करना है तो समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन के संकल्प के साथ हम काम करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।